मेरी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। 1972 में मैंने वहाँ पीएचडी ख़त्म की। सब्जेक्ट था न्यूक्लियर फिज़िक्स में। जब मैंने पीएचडी ख़त्म की, वो सब्जेक्ट ही ऐसा था कि पाकिस्तान से भी मुझे एक ऑफ़र आई थी कि आप वहाँ आइए, हम आपके लिए एक अच्छा पोजीशन दे देंगे। उस वक्त मैंने जवाब दिया था कि नहीं, आई एम एन इंडियन और मैं इंडिया ही जाऊँगा मेरे देश के लिए। तब से मेरी सारी लाइफ 30 साल से पूरी सेक्युलर रही है। PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बड़ौदा की कितनी संस्थाएं के साथ, सेक्युलर संस्थाएं के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और इवन RSS को भी जब पॉइंट्स ज़रूर पड़ती थी तो मेरे पास आते थे। मेरे पास आए थे कि आप सावरकर के ऊपर एक व्याख्यान दो। मैं वहाँ गया भी, स्पीच अच्छी गई। अंत में मैंने एक ही सेंटेंस कहा जो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा हो। मैंने उनसे कहा कि देश के सामने दो रास्ते, एक गांधी का, एक सावरकर का। अगर हमें देश को मजबूत करना हो, स्ट्रेंथन करना हो, तो हमें गांधी के रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। कम नसीब यह हो गई कि मैंने जो ये स्पीच हुई सावरकर के, वो तो फेब्रुअरी 26 को हुई रात को, और 12 घंटे के बाद ये गोधरा की घटनाएं हो गई। हमने इमीडिएटली ये कंडेम किया कि गलत हुआ है। फिर भी दूसरे दिन 28 तारीख को बड़ौदा में सबसे पहले मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। और दुख की बात ये है कि ये ऑर्गेनाइज करने वाले भी वही थे जिन्होंने मुझे दावत दी थी वो लेक्चर देने के लिए, एंड ब्रांडेड मी एज अ जिहादी। तो फिर मेरे पास आए क्यों? इमीडिएटली आई गॉट इन टच विद दी VHP एंड RSS पीपल। मुझे ये कहने में आया कि साहब ये तो मिस्टेक हो गई है, और आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे मेरे ऊपर मोर ऑर्गेनाइज हमला हुआ। और देखने की दुखी बात यह है कि पुलिस ने मेरे घर पे दो पुलिस वाले भी रखे थे। पुलिस ने उनको बोला पीछे से जाओ, हम आगे करे हैं। तो पीछे से पूरा मॉब, 200 जन का मॉब आया और घर के अंदर घुस के सब कुछ रैंसैक कर दिया। मैं कैसे बच गया, इवन आई डोंट नो। जस्ट 2 मिनट्स बिफोर दैट आई जस्ट लेफ्ट द हाउस, पर मेरी बेटी तो अंदर ही थी। आई सॉ दैट जो लोग हमला करने आए थे वो सिर्फ 20-21 ईयर्स ओल्ड लड़के थे। उनमें बहुत ही गुस्सा था। इट वॉज एक्चुअली ओनली 15 मिनट्स। खाली 15 मिनट में सब कुछ टूट गया। जो उनको करना था वो हो गया था। पापा का रूम, 2 रूम को जला दिया था। सो उनको जो करना था वो सिर्फ 15 मिनट में करके वो बाहर आ गए थे। 3-4 महीने पहले ही My wife had died of cancer in that same house. So और फिर ये जो लूटफाट हुई ना, तो मेरी वाइफ की जितनी चीज़ें थी वो सब उन्होंने लूट ली। दूसरा कि ये जब सारी घटनाएं हुई ना, उसके बाद पड़ोसी और काफ़ी अंगद मित्र, उनका सारा बिहेवियर चेंज हो गया। ऐसे भी पड़ोसी थे मेरे पास जो हर बार मेरे वहाँ आते थे और कहते थे कि हम आपके दर्शन नहीं करते ना तो अच्छा नहीं लगता। और वही पड़ोसी जैसा ये घटनाएँ हुई ने, तो उन्होंने बिल्कुल मुंह फिरा दिया। आज तक मेरे वहाँ नहीं आए मिलने के लिए आज तक नहीं आए। दैट रियली पेन्स कि ये सालों 20-30 साल के जो संबंध थे उसके ऊपर उन्होंने पानी फिरा दिया। और माय साइड आई कैन, मैं इतना ही कह सकूं कि मेरे फ्यूचर दामाद इज अ हिंदू जेंटलमैन जो आज फॉरेन में पढ़ रहा है। और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ये जो रिश्ता तोड़ना चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। नाउ ही इज इन USA and I plan to go there and be with him. Are you happy कि आप ये सब छोड़ के अमेरिका जा रही हैं? Right now I feel कि यहाँ I hope मेरा I यहाँ से बस आगे जाना है।
फॉर माय डैड ही सच अ स्ट्रांग लेवल हेडेड पर्सन दैट उनको कुछ होता ही नहीं है. आई डू फील वेरी वरीड फॉर हिम बिकॉज ही इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट. इट्स वेरी इजी टू हर्ट हिम. उसके बाद एक थ्रेट आया. देयर वर मेनी थ्रेट्स. किस तरह के थ्रेट्स? Many death threats. Death threat was the major one, and there are many different threats like they are. अभी writing बंद करो नहीं तो देखते देखना क्या हो जाएगा. घर तो तोड़ डाला. अभी देखना ज़्यादा भी कर देंगे. मगर now the attitude that we have is that they've taken away everything. So now we are free. We can do what we want. तो इस area का नाम क्या है? समा. And जो सोसाइटी में हम रहते थे दैट इज नोन एज कृष्णा कृपा. दिस हाउस ऑल्सो गॉट बर्न वेरी बैड. एंड दिस इज माय हाउस. हाउ लॉन्ग हैज द कंस्ट्रक्शन बीन गोइंग ऑन हियर? सिंस जनवरी से सब कुछ टूट गया. अभी भी मैं वही सोच रही थी कि मेरा बेडरूम का है, मेरा किचन का है, मेरा स्टोर रूम का है. एवरीथिंग इज गॉन नाउ. दिस ये अभी मेरा नहीं है. डैड तो कभी यहाँ पे नहीं आए? नहीं, खाली एक ही बार आए थे क्योंकि जानना था कि सच्ची घर इतनी खराब रही टूट गया है कि वापस नहीं आ सकेंगे. और फिर जब उन्हें अब पहला हमारू घर है तो आप कौन है? इंजीनियर. आई वाज सेइंग दैट पापा हैड नेवर सीन ये घर को देखा ही नहीं था तो उनको पता नहीं था कि कितना सारा लॉस हुआ है. उनको ऐसा ही था कि नहीं वापस हम वो घर को रिपेयर करके यही घर में रहेंगे. और जब उनने घर देखा ही रियलाइज के ये घर को बेचना ही पड़ेगा. एंड आफ्टर सीइंग द हाउस द ये जस्ट कम फॉर हाफ एन आवर उन्होंने डिसीजन लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. प्रॉब्लम मींस वो ऐसे फोटोग्राफी की अलाउड नहीं है हमारे साथ. तो आप इसका इश्यू क्यों बना रहे हो? ये मेरा ड्राइंग रूम है. गरीबी तोड़ डाला. बस टूट गया पूरा के पूरा घर जो इतना अच्छा था ना पूरा के पूरा तोड़ डाला. आई डोंट नो व्हाट. कुछ भी नहीं था. आज तक हम जानते नहीं है कि गोधरा में क्या हुआ. गोधरा की केस स्टडी करने के लिए जस्टिस नानावती को निमा गया था पर वहाँ भी तो बिल्कुल वाइट वॉशिंग हो रहा है. अभी द होल कमीशन इज ऑपरेटिंग ऐसी तरह से ऑपरेट कर रहा है कि हमें बिल्कुल इसके ऊपर भरोसा नहीं आता. आज नरोदा पाटिया में जो हुआ, गुलबर्ग सोसाइटी में जो हुआ, थ्रू आउट गुजरात में अपने अंदाज से 2000 निर्दोष मुसलमान मारे गए. ऐसी स्थिति के अंदर अब तक एक भी केस हुआ नहीं है. किसी को भी सजा नहीं हुई है. केस FIR भी बिल्कुल वीक हो गए. और दुख की बात यह है कि जो चीज़ सोमनाथ को जैसे हिंदूज याद करते हैं, मोहम्मद गजनी को याद करते हैं, जो यहाँ हुआ नरेंद्र मोदी ने किया और गुजरात, ये 100 साल के बाद भी मुसलमान तो ये भूल नहीं सकेंगे. और ये सारी चीज़ें क्यों की? सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए?